भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ऋतु रानी 18 सदस्यों वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करेंगी। गौर हो कि 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज रोम में होने वाली है। बता दें कि वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बाबत 1920 नवंबर को एक चयन ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। जहां एक तरफ ऋतु रानी टीम की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगी, तो वहीं मिडफील्डर दीपिका के कंधों पर उप कप्तानी का दारोमदार होगा। फिलहाल हॉकी टीम के मुख्य कोच हागुड ने टीम के बारे में कहा है कि हर टूर्नामेंट में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी के दम पर इटली के दौरे के जरिए भी खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ऋतु रानी की अगुवाई में इटली में शुरू होने वाली सीरीज में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।